रायाजी बांधल इतिहास में खो चुके पन्ने। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनका नाम तो हमने सुना है लेकिन उनकी जानकारी हमने कभी नहीं सुनी, और उनका नाम है रायाजी बांधल। हाल ही में एक मराठी मूवी रिलीज हुई, उसका नाम है पावनखिंड। इस पावनखिंड मूवी में रायाजी बांधल के बारे में दिखाया गया है। रायाजी बांधल छत्रपति शिवाजी महाराज के बांधल प्रांत के सेनापति थे। अगर हम उनके बारे में एक वाक्य में रचना करें तो मौत को मारकर भी जो लड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे, उनका नाम है रायाजी बांधल। रायाजी बांधल ये बाजी बांधल के बेटे थे और दीपाई देशमुख के पोते थे। हमेशा श्रीमती दीपाई ने अपने बेटे और पोते को लड़ने के काबिल बनाया था। उन्होंने बचपन से ही उनको लड़ने की शिक्षा दी। उनका असली नाम देशमुख था। महाराष्ट्र में वो जिस प्रांत में रहते थे उस प्रांत का नाम था बांधल, और आगे जाके उन्हें सब लोग बांधल देशमुख के नाम से जानने लगे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज कोल्हापुर के नजदीक पनाला गढ़ पे थे तो सिद्धि जौहर ने उस किले को घेरा डाल दिया था। तब स्वराज्य के रक्षा के लिए पनाला छोड़ना जरूरी था। तभी पूरी प्लानिंग के साथ पनाला छोड़कर विशालगढ़ जाने का निर्णय छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सैनिकों ने लिया। और दिन आ गया, 13 जुलाई 1660 छत्रपति शिवाजी महाराज पनाला से विशालगढ़ की तरफ निकल पड़े, और उनका साथ दे रहे थे बाजीप्रभु देशपांडे, रायाजी बांधल और उनके साथ 600 सैनिक। जब सिद्धि जोहर को ये बात पता चली कि शिवाजी महाराज और उनके सैनिक पनाला से विशालगढ़ की तरफ जा रहे हैं, तब सिद्धि जोहर का दामाद सिद्धि मसूद 10,000 की फौज लेके विशालगढ़ की तरफ निकल पड़ा। उस रात छत्रपति शिवाजी महाराज और सभी बांधल ये विशालगढ़ का सफर चलते चलते तय कर रहे थे, और सिद्धि मसूद की सेना घोड़े पे बैठकर उनका पीछा कर रही थी। लगभग 4 से 5 घंटे का सफर करके छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सैनिक यानी मावड़े घोड़खिंड में आके पहुंचे। घोड़खिंड यानी वो जगह जहाँ पे घोड़े का लीलाव किया जाता था। तब आगे बढ़ते समय मुगलों की सेना नजदीक आ रही है, ये देखकर बांधल सेना का नेतृत्व करने वाले बाजीप्रभु देशपांडे ने छत्रपति शिवाजी महाराज और 300 मावलों को विशालगढ़ की तरफ भेज दिया। और यहाँ 300 बांधल सेना के साथ मुगलों को रोकने के लिए बाजीप्रभु देशपांडे, फुलाजी देशपांडे और रायाजी बांधल रुक गए। मुगल सेना जैसे आई तभी सभी बांधल सेना ने उनके साथ जमकर लड़ाई की। तब बाजीप्रभु देशपांडे से प्रेरित होकर रायाजी बांधल और सभी बांधलों ने मुगलों को वहां पे रोक के रखा, ताकि शिवाजी महाराज विशालगढ़ पर सही सलामत पहुंच सके। इस घनघोर युद्ध में सिद्धि मसूद के आदमी ने दगाबाजी से रायाजी बांधल पर पीछे से वार किया। तब छत्रपति शिवाजी महाराज को आखिरी नमन करते हुए रायाजी बांधल ने अपनी सांस छोड़ दी, और फिर आगे की लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ तक पहुंचने तक बाजीप्रभु देशपांडे लड़ते रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। रायाजी बांधल, बाजीप्रभु देशपांडे, फुलाजी देशपांडे और बांधल सेना ने यहाँ पे लड़कर इस घोड़खिंड को अपने खून से पवित्र यानी पावन कर दिया, इसलिए इस घोड़खिंड का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज ने पावनखिंड रखा। रायाजी बांधल की इस पराक्रम के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज खुद उनके गाँव गए और उनकी दादी श्रीमती दीपाई को सम्मान का दूसरा पन्ना यानी तलवार का मान दिया। दोस्तों, रायाजी बांधल ने सिर्फ पावनखिंड में नहीं लेकिन प्रतापगढ़ के समय भी ऐसे प्रशंसक लड़ाई की थी। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरा हिंदुस्तान इन सभी मावलों का ऋणी है और हमेशा ऋणी रहेगा। जय शिवाजी, जय भवानी।